ये वही स्कूल है जहाँ पे शुभम बचपन में पढ़ाई करता था और यूपीएससी टॉप किया है। शुभम के माताजी पिताजी भी यहाँ पे पहुँचे हैं और तमाम बच्चों ने शुभम से मुलाकात की और तमाम बच्चे उत्साहित दिखे और जो टॉपर शुभम है उन्होंने बच्चे को टिप्स भी दिया और कहीं ना कहीं ये भी बताया कि अपने लाइफ में घबराना नहीं चाहिए, मेहनत के बल पे किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। और देखिए तमाम जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, शुभम के माता हैं, पिता हैं और जो भी सर हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि काफ़ी खुशनुमा पल है। तमाम जो यहाँ पे गिरते संभलते मेहनत के बल पे शुभम ने टॉप किया था, यहाँ से पढ़ाई की थी और आज इस मुकाम पर शुभम जी हमारे साथ हैं। शुभम जी, बच्चे बहुत खुश हैं आज। हाँ, काफ़ी खुश हैं। मैं जो भी एक्सपेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा, जो वो मैं हर जगह मैं देख रहा हूँ कि जो खास करके जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं जब वो देखते हैं कि उन्हीं के स्कूल से कोई पढ़ के कोई एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है। और ये मेरा प्रिविलेज भी है कि मैं यहाँ आकर के बच्चों से इंटरेक्ट कर पाए। मम्मी पापा का काफ़ी योगदान रहा, स्कूल के तमाम जो डायरेक्टर थे, जो टीचर थे, ईरा मैम से भी हमारी बात हुई थी, सर भी थे, तमाम लोगों ने कहा कि शुभम शुरू से ही बचपन में पढ़ने से अच्छा था और हम लोगों को लगता था कि ये कुछ अलग करेगा। आशीर्वाद भी दिया है सभी लोगों ने आपको। हाँ, यहाँ के शिक्षकों का काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे जब गांव से आया था तो बहुत चीज़ें नहीं पता थी और उन्होंने मुझे अपने बच्चों के तरह यहाँ पे मेरा देख रेख किया, मुझ पे ध्यान दिया और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने सारे शिक्षक गण का कि जिन्होंने मुझे जो प्राइमरी स्टेज है वहाँ पे उन्होंने मुझे अच्छा गाइडेंस किया और एक अपने बच्चे के तरह मुझे यहाँ पे जो है वो रखा। आप काफ़ी भावुक हो गए यहाँ पे आए, आपकी मम्मी भी भावुक हो गई थी। क्या कुछ आप संदेश दीजिएगा, जो छात्र अगर असफल हो जाते हैं तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, उनको क्या कुछ संदेश अपील करिएगा वैसे छात्रों से कि घबराने की ज़रूरत नहीं है? आई थिंक आपको कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए जिसके तहत आप मेहनत करें और जो निगेटिव लोग हैं जो आपको कहते हैं कि आपका नहीं हो पाएगा उससे आप दूरी बना के रखें और अपने पे एक कॉन्फिडेंस रखें। आप ये सोचिए कि आप अगर आपको डर लग रहा है या आप जिस फेज़ से गुजर रहे हैं वो टॉपर्स भी जो हैं वो इस फेज़ से गुजरे हुए हैं। सो एक अपने आत्मविश्वास रखते हुए आप जो है वो कंसिस्टेंटली मेहनत करें। आपको बहुत बहुत बधाई शुभम। थैंक यू। देखिए ये शुभम थे टॉपर जो थे और देखिए जिस प्रकार से यहाँ तमाम जो लोग पहुँचे हैं, जो बच्चे हैं, तमाम शुभम से मुलाकात कर रहे हैं और शुभम ने सीधे तौर पे कहा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो किसी भी जो मंजिल है उसे आप पा सकते हैं। रोहित नटराज, न्यूज पटना।